ऐसे थाने सारी कहने स्कूल से घर लौटते समय छठवीं कक्षा की छात्रा को दो युवकों ने अपने वैन में अपहरण किया और अपहरण करने के बाद सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस अपहरण की सूचना स्कूल प्रशासन को समय पे मिल गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ना तो पुलिस को इस बात की सूचना दी और न ही परिजनों को, जिसके चलते पुलिस के पास ये मामला करीब 6 घंटे देरी से पहुंचा। और वही कारण रहा कि दोनों दुष्कर्मी छात्रा के साथ दुष्कर्म करने में सफल हो गए। अगर समय रहते जिला पुलिस कंट्रोल रूम को या पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की सूचना मिलती तो निश्चित रूप से बालिका के साथ होने वाले दुष्कर्म को रोका जा सकता। स्कूल की नाबालिग बालिका के परिजनों ने बताया कि इंटरवल के समय एक मारुति वैन में दो लड़के उनकी बच्ची को उठाकर ले गए और दुष्कर्म की बात सामने आई है। महिला थाना अधिकारी द्वारा उनमें से दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। वारदात में उपयुक्त गाड़ी भी कब्जे में है, उनसे पूछताछ जारी है। अब सवाल या निशान ये है कि जब स्कूल में छात्र छात्राएं घर लौटती है और घटना का पता अगर स्कूल प्रशासन को लग जाता है, इसके बाद भी स्कूल प्रशासन इस मामले को लेकर के 6 घंटे तक दबाए रखता है, तो कहीं न कहीं ये स्कूल प्रशासन की खामियां तो उभर कर सामने आती है। लेकिन जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है, तो आनंद फानन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP के मौके पर 6 थानाधिकारियों की टीम बनाई गई और देर रात सर्च अभियान चला करके उन दो दरिंदों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं कैमरामैन रघुनाथ।